अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, व्हिच इज़ ग्राफ्स रेलेवेंट टू डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। हम इस सारे चीज़ के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ग्राफ्स के लिए हमेशा ये जो आपका एक्सिस होता है, दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज़ योर वर्टिकल एक्सिस। हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हाँ एक्स हो या वाई हो, नेवर एवर। आप बस इसको याद रखिए, दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज़ योर वर्टिकल एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाली कहानी भूल जाएं। अब यहाँ एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ए बी सी वट एवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू नो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एंड दिस इज़ योर वर्टिकल एक्सिस। और सेकेंड चीज़ यू शुड नो दैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमेशा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। हम लास्ट लेक्चर में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात प्रॉपरली कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमेशा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ठीक है। एंड वर्टिकल एक्सिस में हमेशा आपका डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा ये चीज़। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें आपको यहाँ, ये तो हमने पहले बात की थी लास्ट लेक्चर में कि हमेशा आपके राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और हमेशा आपके इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे, यानी कि जब आप इसको मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओगे भी तो प्रोपोर्शन का सिंबल है ना, व्हेन यू जस्ट रिप्लेस इट विद इक्वल टू एंड कॉन्स्टेंट, देन ऑलवेज ऑन योर राइट साइड यू हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑन योर लेफ्ट साइड यू ऑलवेज हैव डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये चीज़ तो पहले आपको किसी भी किस्म के ग्राफ्स के लिए, आइदर ऑल दो ये डायरेक्ट हों, इनवर्स हों, कुछ और हों, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपनी असल चीज़ के ऊपर। फर्स्ट चीज़ ये कि वी ऑल नो दैट डायरेक्ट प्रपोर्शन में कैसे होता है। अगर आपका एक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आपका एक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें इस इक्वेशन में, सॉरी इस ग्राफ में, अगर आप इसको गौर से देखें तो यू कैन सी दिस कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। पहले ज़ीरो थी, फिर फाइव थी, फिर टेन थी एंड सो ऑनवर्ड ये इंक्रीज़ हो रही है। उसके कॉरिस्पॉन्डिंग व्हेन एक्स इज़ फाइव, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जब आप ऊपर आकर देखते हैं तो वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है। व्हेन एक्स इज़ टेन, आप ऊपर आकर देखते हैं इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज़ हो रहा है, वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है। जब भी ग्राफ आपका ओरिजिन से अपर जाता है, ये सिंबल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन ग्राफ्स का। सिमिलरली ग्राफ्स जो है वो आपका इस तरह से एक्सपोनेंशियली रेज भी कर सकता है। एक्सपोनेंशियली मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर हम बात करेंगे, उसका भी वक्त आया नहीं है, बहुत लेटर, थोड़ा सा कुछ आगे जाके हम उसके ऊपर बात करेंगे। बट ये सिर्फ ये देख लें कि या तो एक्सपोनेंशियली जो आपका ग्राफ अपर जा रहा है वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे ग्राफ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखें तो जब एक्स की वैल्यू यहाँ ज़ीरो थी तो वाई क्या था, वाई अपने मैक्स पे था, सबसे ज़्यादा था। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज़ कर रहे हो, इंक्रीज़ करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 पर आकर देखा जाए तो वाई की वैल्यू डिक्लाइन की तरफ से आ रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ हो रहा है, वाई डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे अगर हम यहाँ इस तरफ जाएँ, हम व्हेन वी गो फ्रॉम आवर राइट टू लेफ्ट जाएँ तो वाई जैसे एक्स जैसे जैसे डिक्रीज़ हो रहा है, हमारा वाई जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एग्जांपल है आपके इन्वर्स प्रोपोर्शन की। इसी तरह अगर सिमिलरली इस तरह का ग्राफ जो कि फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डिक्लाइन आए, उसका कर्व फॉर्म में आए, वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है। इसके ऊपर हम मैथमेटिकल इसके इक्वेशन हैं, हम उस पर बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपने बस इन शक्लों को देख लें एंड यू शुड नो दैट वेन एवर योर ग्राफ इज़ लाइक दैट, ये हमेशा इनवर्स की एग्जांपल होगी। जब भी आपका ग्राफ इस तरह का होगा तो लाइक फ्रॉम ओरिजिन अपवर्ड जा रहा है या फिर कर्व फॉर्म में जा रहा है, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, या तो बिल्कुल स्ट्रेट या फिर कर्व फॉर्म में, बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्जन। अच्छा, ऑन दी एंड मैं आपको सिर्फ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि ग्राफ्स क्यों ज़रूरी होते हैं, मतलब वाई वी आर लाइक हम बचपन से पढ़ते हैं मैथ्स में ग्राफ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्यों पढ़ते हैं। आगे जा के हम बहुत सारी चीज़ों में ग्राफ्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप
आजकल देखे होते हैं कि जैसे टाइम के साथ साथ किसी चीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जब हम अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे आते हैं ना, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। वैल्यूज़ हमें हमारे माइंड को वैल्यूज समझ में कम आती हैं। अगर मैं वैल्यूज़ लिख दूँगी ना, कि फॉर एग्जाम्पल टाइम, इस टाइम पर प्राइस ये थी, 2 दिन बाद प्राइस ये थी, 3 दिन बाद प्राइस ये थी, तो मैं उसको अपने माइंड में प्रोसेस करने में ज़रा देर लगाऊंगी। लेकिन अगर मैं ग्राफ बना दूंगी ज़रा इस तरह का या इस तरह का, तो मैं पता चलेगा कि साथ साथ प्राइस जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेज इंक्रीज़ हो रहे हैं और आपकी प्राइस भी क्या हो रही है, यहाँ पर प्राइस आ जाती है तो प्राइस बढ़ रही है। तो ऐसी चीज़ों में हम ग्राफ्स को यूज़ करते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसकी बहुत मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। तो बहुत शॉर्ट सा लेक्चर था, होपफुली आपको समझ में आया हो। अब हम इंशाल्लाह ताला इसके कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज करेंगे लेटर ऑन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।